हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं। आप लोग अगर आर्मी पब्लिक स्कूल का फॉर्म भर रहे हैं जिसमें वैकेंसी निकली है पीजीटी होम साइंस की वैकेंसी निकली है, आप इसमें अप्लाई कर रहे हो, अगर आप चाहते हो इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन देने की कि इसके पेपर कैसा आता है, कौन सा पैटर्न होता है और इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर से अगर आप चाहते हो उस पर वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपको पेपर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भोजन बनाने के तरीके। भोजन करने से पूर्व भोज पदार्थ को विभिन्न पाक विधियों द्वारा पकाया जाता है। पहले हम भोजन करने से पहले क्या करते हैं, जो भी भोज पदार्थ होते हैं हम उसको पकाते हैं। चावल, चाय, आटे को गूंद कर रोटी बनाते हैं। हम आटा तो ऐसे खा नहीं सकते, उसको पहले बनाया जाता है। बनाने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं, उन विधियों के द्वारा बनाते हैं जिससे भोजन सुपाच्य, जीवाणु रहित, पौष्टिक, आकर्षक एवं स्वादिष्ट हो जाता है। जिन विधियों और प्रक्रियाओं का भोजन को पकाया जाता है उन्हें ही पाक कला या भोजन पकाने की कला कहते हैं। जिन विधियों से हम भोजन पकाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पाक कला या भोजन पकाने की कला कहते हैं। पाक शास्त्र मात्र कला ही नहीं वरन विज्ञान भी है। पाक शास्त्र को कला ही नहीं कहते, उसको विज्ञान भी माना जाता है। साज सज्जा के साथ भोजन को सुचारू रूप से व आकर्षक तरीके से परोसना एक कला है। जबकि भोज पदार्थों को तैयार करते एवं पकाते समय जिन बातों को ध्यान में रखकर पकाने की प्रक्रिया की जाती है जिससे कि भोज पदार्थों का पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं हो तथा भोज पदार्थों का पौष्टिक मूल्य कम ना हो, विज्ञान है। हमें कितना भोजन को पकाना चाहिए, उसे कैसे पकाना चाहिए, ये एक प्रकार का विज्ञान है। भोजन को पकाने के उपरांत उसमें पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि होना, विज्ञान है। अच्छी तरह पकाया हुआ एवं आकर्षक ढंग से साज सज्जा के साथ परोसा गया भोजन केवल क्षुधा पूर्ति नहीं करता बल्कि मानसिक संतुष्टि एवं तुष्टि भी प्रदान करता है। तो अगर भोजन को अच्छे से पकाकर उसको अच्छे से साज सज्जा के साथ नहीं परोसा जाए तो हमें वो आकर्षित नहीं करता और हमें खाने का भी इच्छा नहीं करता, इसलिए उसको सजाने की भी कला को महत्वपूर्ण माना गया है। गृहिणी को केवल पाक कला में ही कुशल एवं निपुण नहीं होना चाहिए बल्कि उसे पोषण संबंधी ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि पोषण संबंधी ज्ञान का उपयोग करवा जो उसमें भोज्य पदार्थ है उसे नष्ट होने से बचा सकती है। उसे कार्बोस, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए कि किसमें कौन सी मात्रा में मिलती है पौष्टिक तत्व और हमें कैसे बनाना चाहिए जिससे वो नष्ट ना हो। साथ ही साथ उसे यह भी जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें कैसे तैयार किया जाए, पकाया जाए कि ताकि कम से कम पौष्टिक तत्वों का नाश हो एवं पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि हो। कुछ विटामिन जैसे विटामिन बी समूह व विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि कुछ वसा में विटामिन ए व डी अगर जल में घुलनशील होने वाले विटामिन या खनिज लवणयुक्त भोज पदार्थों को काटकर पानी में धोया जाए अथवा उबाला जाए और उबालने के पश्चात उस पानी को फेंक दिया जाए तो पानी में घुलनशील विटामिन बी पानी के साथ नष्ट हो जाते हैं। अगर हम जिसमें विटामिन बी और सी है अगर हमें उसे धुल के या उबाल के उस पानी को फेंक देते हैं तो क्या होता है, उसके साथ विटामिन बी और विटामिन सी भी नष्ट हो जाते हैं और पानी के साथ नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये सब बातों का एक गहरी को ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह अगर वसा में घुलनशील विटामिन को वसा के साथ पकाया जाए तो उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। अतः गृहिणी को इन सब का ज्ञान होना चाहिए, उसे विभिन्न भोज पदार्थों पर ताप के प्रभाव का भी ज्ञान होना चाहिए।
ये पकाने के उपरांत विटामिन सी एवं विटामिन बी का ज़्यादा ह्रास होता है। अधिक ताप से विटामिन सी और विटामिन बी ह्रास होते हैं, नष्ट होते हैं, इसलिए विटामिन सी युक्त जो सब्जियां होती हैं जैसे टमाटर, धनिया पत्ता, नींबू आदि का प्रयोग सब्जी पकाने के पश्चात ही अंत में पकाने का कार्य करना चाहिए। जब सब्जियां पकाते हैं तो उसी टाइम हमें धनिया पत्ता, टमाटर नहीं डालना चाहिए। जब सब्जियां पक जाती हैं तब उसके उपरांत ही इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि विटामिन सी कम से कम ह्रास हो। ताप के प्रभाव से विटामिन सी का 40% से लेकर 60% तक का ह्रास हो जाता है। कब? जब अधिक ताप के प्रभाव में होता है, तो 40 से 60। और सबसे ज़्यादा किस विटामिन का ह्रास होता है? विटामिन सी का, क्वेश्चन में पूछा जाता है। हमारे दैनिक आहार में सूखे मेवे, फल व कुछ सब्जियों को छोड़कर शेष भोज्य पदार्थों को पकाकर ही खाया जाता है, जैसे पूरी, रोटी, उपमा, सूजी के केक, ब्रेड, शक्कर, शक्करपारे, आटे की नमकीन, मीठी मठरी, कचौड़ी आदि व्यंजनों में गेहूं का प्रयोग किया जाता है। परंतु सभी व्यंजन बनाने के भिन्न भिन्न तरीके होते हैं। इसी प्रकार से चना, आलू की हरी सब्जियाँ, आलू हरी सब्जियाँ, चावल आदि से भी विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। भोजन को पकाने से उसके गंध, स्वाद, रंग, बनावट व आकार पर भी प्रभाव पड़ता है। जब हम भोजन को पकाते हैं तो उसका रंग, गंध और आकार में भी बनावट होता है। जैसे चावल को जब बनाते हैं तो चावल पहले थोड़े से होते हैं, जब पानी में उसे बनाते हैं तो वो फूल के बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, उसके आकार में परिवर्तन होता है तथा तो उसमें विद्यमान जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे भोजन पौष्टिक, स्वादिष्ट एवं सुपाच्य हो जाता है। भोजन बनाने की अनेक विधियाँ, किंतु पकाने के माध्यम की दृष्टि से भोजन पकाने की विधियों को मुख्यतः चार वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में? चार। वो कौन कौन से हैं? जल द्वारा, वाष्प द्वारा, चिकनाई द्वारा और वायु द्वारा। अब इसको डिटेल से जानते हैं। जल द्वारा कौन कौन से भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं? जल के द्वारा। जल द्वारा भोजन पकाने की विधि में पाक क्रिया आर्द्रता के माध्यम से संपन्न होती है। जल द्वारा पकाने की विधि को 3 भागों में बांटा गया है, उबालना, धीरे धीरे उबालना और धीमी आग पर पकाना। ये इसके चार हैं, इसके 4 भागों में बांटा गया। उबालने में क्या किया जाता है? इस विधि में पकाई जाने वाली वस्तु को किसी भगोने या जल के साथ डाल दिया जाता है और इसे अंगीठी या चूल्हे पर तब तक उबाला जाता है जब तक वह गल ना जाए। जैसे दाल, आलू, मटर, चने, सूप आदि के बनाने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। हम कुकर में क्या करते हैं? चावल या फिर दाल बनाते हैं पानी डालकर, तो ये उबालने की विधि में आता है। नेक्स्ट है, धीरे धीरे उबालना। यह विधि उबालने की विधि के समान ही है, अंतर केवल इतना है कि इसमें आंच बहुत ही मंद रखी जाती है। जब हम दाल बनाते हैं तो आंच बहुत ही मंद रख के बनाते हैं, जिससे दाल अच्छे से गल जाए। नेक्स्ट है, धीमी आग पर पकाना। इस विधि में खाद्य सामग्री बर्तन में बंद कर मंद गति से काफ़ी देर तक पकाई जाती है। जिस बर्तन में वस्तु को पकाया जाता है उसका ढक्कन मजबूती से कसकर बंद रखा जाना चाहिए, जिससे बर्तन के अंदर की वाष्प उड़कर बाहर ना निकले और भोज पदार्थ को तर बनाए रहे। इस विधि का प्रयोग अधिकतर मांस पकाने अथवा वस्तु को बनाने में किया जाता है। वाष्प द्वारा पकाना जो दूसरी विधि है, वाष्प द्वारा पकाना स्वास्थ्य की दृष्टि से यह विधि उबालने की विधि से उत्तम है, क्योंकि इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थ पानी की भाप से पकाया जाता है। खाद्य पदार्थ वाष्प से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क में
लाकर पकाया जाता है। और इस विधि से कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं? जैसे मोमोज, मोमोज को वाक्स विधि से बनाया जाता है। प्रत्यक्ष विधि कौन सी होती है? इस विधि द्वारा भोजन पकाने का प्रयोग अधिकतर घरों में किया जाता है। इसमें नीचे के एक बर्तन में पानी डालकर उसके ऊपर छलनी या कोई पतला कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखते हैं। इस विधि द्वारा भोजन बनाने में समय अधिक लगता है तथा भोजन के कुछ तत्व छलनी या कपड़े के छिद्रों द्वारा नीचे के उबलते हुए पानी में घुल जाते हैं। इसमें क्या होता है, पहले एक बर्तन में पानी रखा जाता है उसको उबलने के लिए, उसके ऊपर एक छलनी या बर्तन रखा जाता है, फिर उसके ऊपर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है। इसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष विधि। इस विधि द्वारा भोजन पकाने के लिए वाष्प बनाने हेतु अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। जिस बर्तन में खाद्य पदार्थ पकाया जाता है उस बर्तन का ढक्कन कसकर बंद कर दिया जाता है, जिससे बर्तन में उपस्थित पानी का वाष्प बाहर नहीं निकल पाता है और खाद्य पदार्थ उसी भाप के दबाव में गल जाता है। इस विधि द्वारा पकाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का समय भिन्न भिन्न होता है। इस विधि द्वारा भोजन बनाने के बर्तन का सर्वोत्तम उदाहरण प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर में क्या करते हैं, पानी, चावल और उसमें पानी रखकर उसका ढक्कन बंद कर दिया जाता है। जब सीटी देता है उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हाँ खाना बन गया। इसमें बहुत ही कम समय लगता है। जो थर्ड विधि है चिकनाई द्वारा। इस विधि में खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए तेल, घी, स्नेगंध आदि का प्रयोग माध्यम के रूप में किया जाता है। तेल या घी को आग पर खूब गर्म करके जब वह धुआं छूने लगता है तो खाद्य पदार्थ डालकर शीघ्रता से निकाल देते हैं। चिकनाई द्वारा भोजन बनाने की तीन विधियां हैं, कौन कौन सी? तलने की उथली विधि, तलने की गहरी विधि और तलने की सूक्ष्म विधि। ये तीन विधियां हैं जिसके द्वारा चिकनाई के द्वारा भोज पदार्थों को बनाया जाता है। चलिए इसे डिटेल में जानते हैं। तलने की उथली विधि, इस विधि में कढ़ाई या फ्राई पैन में घी या तेल डालकर उसको गर्म किया जाता है। जब चिकनाई वाले पदार्थ हल्का धुआं उठने लगे तो पकाए जाने वाले वस्तु डाल देते हैं। इसमें क्या करते हैं, किसी बर्तन में थोड़े से तेल डालते हैं। तेल डालने के बाद जो चीज़ हमें पकानी है उसे डालते हैं। जैसे आलू की टिक्की या कोई भी सामग्री को कम तेल में बनाते हैं, उसको सैलो फ्राई करते हैं। जो तलने की गहरी विधि होती है उसमें हम क्या करते हैं, कढ़ाई में ज़्यादा तेल डालते हैं और उसमें उसको गर्म करके उसमें पूड़ी, कचौड़ी, समोसे जो भी तलने वाले होते हैं, इसको डीप फ्राई भी कहते हैं, उसके द्वारा हमें इसको तला जाता है। नेक्स्ट है तलने की शुष्क विधि। इस विधि द्वारा उन वस्तुओं को पकाया जाता है जिसमें स्वयं ही चिकनाई पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। इस विधि में तलते समय बाहर से घी या तेल नहीं डाला जाता क्योंकि उन पदार्थों को गर्म करने से वह अपनी चिकनाई छोड़ देते हैं। ऐसे पदार्थों को जिसमें स्वयं ही चिकनापन होता है उसको इस माध्यम से तलते हैं। वायु द्वारा जो फोर्थ विधि है, वायु द्वारा भोज्य पदार्थों को पकाने में वायु का प्रयोग भूजने और सेकने में किया जाता है। निम्न विधियों द्वारा किया जाता है, कौन कौन से? भूजना, सेकना, भट्टी या तंदूर में पकाना। भूजने में क्या क्या आता है, कौन कौन से पदार्थों को भूजते हैं? इस विधि में बालू द्वारा पकाई जाने वाली वस्तु को ताप पहुंचाया जाता है। इस विधि में उष्ण वायु के माध्यम से भोजन पकाया जाता है। हम किसी बर्तन में बालू डाल देते हैं, अब जब बालू गर्म होता है तो उसमें क्या करते हैं, जो मक्के के दाना होते हैं उसको डालते हैं जिससे वह गर्म होकर फूटने लगते हैं, जिसे पॉपकॉर्न भी कहते हैं। इस विधि से पकाया जाता है। नेक्स्ट है सेकना।
इस विधि में वस्तु को सीधे आग के संपर्क में लाकर खाद्य पदार्थों को सेका जाता है, जैसे तवे पर चपाती सेकी जाती है, तो इसी सेकने के द्वारा की जाती है। भट्टी में पकाना, इस विधि में पकाए जाने वाले पदार्थों को चारों ओर से समान अनुपात में गर्मी पहुंचाई जाती है। इस विधि में भोजन बनाने के दो साधन हैं, भट्टी ऊष्मक और तंदूर या देसी ऊष्मक। भट्टी के दो हैं, भट्टी ऊष्मक या तंदूर या देसी ऊष्मक। भट्टी ऊष्मक में हमें कौन से खाद्य पदार्थ पकाए जाते हैं? इसमें पकाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को ऊष्मक में रखकर बंद कर दिया जाता है और उसी गर्मी में पदार्थ पक जाता है, जैसे पेटीज, नॉन, डबल रोटी, बिस्कुट, केक इत्यादि। जो बेकरी वाले बनाते हैं वो भट्टी उष्मक के द्वारा ही बनाते हैं। और इसका जो सेकंड है, देसी तंदूर। इस विधि में होटलों में तंदूर की रोटी और नॉन जो नान होते हैं वो बनाए जाते हैं। भोजन को पकाने पर ताप के प्रभाव से गंध, रूप, रंग में परिवर्तन। जब भोजन में ताप का प्रभाव पड़ता है तो रंग रूप में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं उसे जानते हैं। गंध जो होती है वो नष्ट हो जाती है। बाहरी पदार्थों को तलने और भूनने में उसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध आ जाती है, और वसा एवं हवा के द्वारा पकाने से भी भोजन सुगंधित हो जाते हैं। प्याज, चुकंदर, टमाटर, आलू, लहसुन आदि भोज पदार्थों को सुगंधित कर देते हैं तथा रसों को गाढ़ा कर देते हैं। तो अधिक ताप से क्या होता है, गंध में परिवर्तन होता है, और रंग में क्या परिवर्तन आता है, भोज पदार्थों को पकाने से उसका प्राकृतिक रंग बदल जाता है। जो उसका प्राकृतिक रंग होता है भोज पदार्थों का वो बदल जाता है। भोज पदार्थों में विशेषता निम्नलिखित चार प्राकृतिक रंग होते हैं जिन पर ताप का प्रभाव किसी न किसी रूप में पड़ने पर उसके रंग में परिवर्तन हो जाते हैं। तो कौन कौन से रंग होते हैं उसमें? सबसे पहले कैरोटीन। तो कैरोटीन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? यह पीले रंग का पदार्थ है जो सूर्य के प्रकाश से पीली और हरी सब्जियों में उत्पन्न हो जाती है। जो पीली और हरी सब्जियां होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? कैरोटीन। इस रंग पर क्षार, अम्ल तथा ताप का विशेष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैरोटीन पे ताप का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? यह हरे रंग का पदार्थ है जो सूर्य प्रकाश से फलों एवं हरी पत्तेदार सब्जियों में उत्पन्न होता है। क्लोरोफिल हरे पत्तेदार सब्जियों और फलों में पाया जाता है। यह विशेषकर पालक, चौलाई, पुदीना, सरसों का साग, मेथी, हरा धनिया, चना साग आदि में होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि चौलाई या पालक में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? तो क्लोरोफिल। जब तक आप डीपली नहीं पढ़ेंगे तो उसका जवाब नहीं दे सकते। क्षारीय माध्यम से क्लोरोफिल युक्त आहारी पदार्थ पकाने पर उसके रंग में और निखार आ जाता है। जब हम क्षारी से पकाते हैं, क्षारीय माध्यम से पकाते हैं, तो जो क्लोरोफिल का रंग होता है वो और गाढ़ा हो जाता है। और अम्लीय माध्यम से पकाते हैं तो क्या होता है, पकाने से उनका रंग में और पीलापन आ जाता है, वो पीलापन हो जाता है। एंथोसाइनिन का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह लाल एवं जामनी रंग का पदार्थ है जो विशेषता काली गाजर, चुकंदर, जामुन आदि में पाया जाता है। किसमें किसमें? काली गाजर, चुकंदर और जामुन में पाया जाता है। ताप का इस रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अम्लीय माध्यम से इसको पकाने पर इनका रंग हल्का लाल तथा क्षारीय माध्यम से पकाने पर इनका लाल रंग नीला हो जाता है। जब हम इसे अम्लीय माध्यम से पकाते हैं तो हल्का लाल हो जाता है, जब इसे क्षारीय माध्यम से पकाते हैं तो इनका रंग नीला हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्लोरोबोन्स पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? यह रंग विशेष कर सफ़ेद रंग की सब्जियों में पाया जाता है, जैसे गोभी, प्याज,
आलू शलजम आदि में पाया जाता है। जब इसे क्षारीय माध्यम से पकाया जाता है तो यह पीला हो जाता है, चीनी ताप के प्रभाव से सुनहरी, फिर कत्थई तथा अंत में काले रंग की हो जाती है। और जो नेक्स्ट है रूप, रूप का क्या प्रभाव पड़ता है जब हम पकाते हैं कुछ पदार्थों को, उसका रूप पे क्या प्रभाव पड़ता है। भोजन पकाते पकाने पर मुलायम हो जाता है, हल्का एवं सुपाच्य हो जाता है। जब हम किसी सब्जी को बनाते हैं तो पहले वो बहुत कड़ी होती है, टाइट होती है, जब उसे पका देते हैं तो मुलायम और सॉफ्ट हो जाती है, जिसे वो खाने योग्य होता है, सुपाच्य होता है। ताप के प्रभाव से आहारी पदार्थ के स्टार्च के कण फूलकर फट जाते हैं और आहारी पदार्थ अधिक मुलायम हो जाता है, जैसे चावल, आलू, साबूदाना, शकरकंद आदि प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ ताप के प्रभाव से जम जाते हैं, जैसे अंडा, मछली आदि। जो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वो जब ताप के प्रभाव में आते हैं क्या होता है, वो जम जाता है। जब हम बॉईल करते हैं अंडा को तो देखते हैं वो अंडा जम जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट जिसमें पाया जाता है वो फूल जाते हैं, उसके जो कण होते हैं स्टार्च के टूट जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट है पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन बनाना। तो पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए पाक क्रिया की सफलता निम्नलिखित 5 बातों पर निर्भर करती है। किसी भी भोजन को पौष्टिक एवं स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, सही चयन। पकाते समय उत्तम प्रकार के भोज पदार्थों को चुना करना चाहिए कि जो सब्जियां वो ताजी होनी चाहिए और बासी नहीं होनी चाहिए, और वो हमारे शरीर के लिए पौष्टिक है कि नहीं इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ताजे फलों के जैम जली भी अच्छे का यूज़ करना चाहिए। दही बड़ा बनाने के लिए ताजे दही का प्रयोग करना चाहिए, ये नहीं है कि बासी दही का हम यूज़ करें कई दिन का तो वो खाने में स्वादिष्ट भी नहीं और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। सही ताप, और जो सेकंड बात का हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है सही ताप का। जैसे अलग अलग जो भोज पदार्थ होते हैं उनको अलग अलग समय और सही ताप पे बनाना चाहिए। केक, बिस्किट, हलवा, जैम आदि बनाने का सही माप में सामग्रियों का उपयोग महत्वपूर्ण है। पुलाव पकाते समय पानी और आँच का सही होना जरूरी है। व्यंजन के पकाने के लिए समय के सही उपयोग की जानकारी आवश्यक है। सही व्यंजन विधि जो तीसरी बात है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या है सही व्यंजन विधि। प्रत्येक व्यंजन विधि निर्धारित विधि द्वारा पकाया जाता है, जिसमें हल्का फेर बदल कर विविधता लाई जा सकती है, किंतु व्यंजन के स्वाद और रंग के रूप में कि सही होने के लिए निर्देशित व्यंजन विधि का अक्षरश पालन करना आवश्यक है। जैसे लड्डू बनाने के लिए चीनी की तार की चाशनी बनानी चाहिए। अगर हम लड्डू बना रहे हैं उसमें कितनी तार की आवश्यकता होती है, अगर एक तार में लड्डू बनाएंगे तो क्या वो लड्डू बनेंगे, उसमें हम फेरबदल नहीं कर सकते। जिन खाद्य पदार्थों को हम उबाल के बनाते हैं तो हम उसको उबाल के ही उसको तल के नहीं बना सकते। इन सभी विधियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पकाने वाले का अनुभव, उसे कितना अनुभव है इस बात का भी प्रभाव पड़ता है। पाक क्रिया में पकाने वाले का अनुभव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाक क्रिया संपन्न करते समय प्रत्येक गृहिणी को पाक कला संबंधी निर्देशों का पालन करना चाहिए। जैसे व्यंजन विधि को पूरी तरह पढ़कर समझ कर पकाना चाहिए, ये नहीं कि बिना पढ़े कुछ भी बनाया जाए। और जो सेकंड है पाक क्रिया की पूर्व सारी सामग्री, बर्तन, पानी, अन्य आवश्यक सामग्री एकत्रित कर लेना चाहिए, जिससे समय तथा श्रम की बचत हो। सामग्रियों की सही माप होनी चाहिए तथा क्रमबद्धता, जो क्रमबद्धता होती है उसका निर्वाह करना चाहिए। भोजन संबंधी स्वच्छता का भी पालन करना चाहिए और गंदे बर्तनों चूल्हे के ऊपर आसपास नहीं छोड़ना चाहिए। ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कांच के और चिकनाई युक्त बर्तनों की सफाई साबुन तथा गर्म जल से करनी चाहिए। भोजन परोसे
जाने वाले बर्तनों की सफाई पहले से ही कर लेनी चाहिए। पाक कला में कुशलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न पुस्तकों और पत्रिकाओं में प्रकाशित व्यंजन विधि को भी पढ़ना चाहिए। जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पैकिंग तथा सीटिंग जांच। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पैकिंग जांच कैसे की जाती है? पैकिंग की मात्रा के अनुपात में ही जैम तथा जैली बनाने में चीनी की मात्रा निर्धारित की जाती है। पैकिंग के अनुसार ही चीनी की मात्रा ही निर्धारित की जाती है। पैकिंग की जांच के लिए कांच की परख नली में एक चाय चम्मच, जो चाय की चम्मच है उसमें फल का रस लेकर उसमें 2 चाय चम्मच मिथिलेटेड नाम याद रखिए स्पिरिट मिलाकर हिलाने से जब एक बड़ा थक्का जम जाता है, जब हम 1 चम्मच फल के रस में मिथिलेटेड स्पिरिट मिलाते हैं और उसको हिलाते हैं, जब एक थक्का जम जाए तो समझो क्या होता है, उसमें उच्च पैक्टिन की मात्रा है। अगर ये पतले टूटे थक्का जमने पर उसमें निम्न पैक्टिन की मात्रा की उपस्थिति मानी जाती है तो क्या करना चाहिए? तो उसमें फल के रस में पैक्टिन कम होने पर 500 ग्राम चीनी में 2.5 ग्राम पैक्टिन बाहर से मिलाना चाहिए। 500 ग्राम चीनी में कितनी पैक्टिन मिलानी चाहिए? 2.5। ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। सीटिंग जांच कैसे की जाती है? सीटिंग जांच द्वारा जैली के जमने की योग्यता को जानना जाता है। फलों के रस को चीनी तथा अम्ल के साथ उबलते समय अब उबलते हुए मिश्रण को चम्मच से मिटाने पर एक परत के रूप में गिरने लगती है। जब जाना जाता है कि जैली जमने योग्य हो गई है परंतु उसे आंच पर से उतार लेना चाहिए। सीटिंग जांच कांटे द्वारा की जाती है। उबलते मिश्रण में कांटे को डुबोकर बाहर निकाला जाता है। कांटों के बीच के सभी खालों जो खाली स्थान में गाढ़े रस से भरे दिखाई देने पर समझा जाता है कि जैली जमने योग्य हो गई है। जो कांटा डुबोया जाता है उसमें देखा जाता है, अगर कांटे के बीच में सब कुछ गाढ़ा जम गया है तो तब समझा जाता है कि हाँ जैली जमने योग्य हो गई है। दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं ये तो पता ही हो आपको, रबड़ी या खोया, छेना, दही, चक्का, मक्खन, मठा, छाछ, घी, रबड़ी या खोआ बनाना, छेना बनाना, दही बनाना, ये सारे पाक कला में चाशनी के उपयोग। पाक कला में चाशनी के क्या क्या उपयोग होते हैं? वो खाद्य पदार्थ के अनुसार ही होते हैं। उसमें तापमान दी गई है और ठंडे जल में चाशनी की स्थिति और व्यंजन में उपयोग, कौन से चाशनी का किस व्यंजन में उपयोग किया जाता है। तो 110 से 112 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन सी तार वाली चाशनी बनती है, और इससे तार वाली चाशनी से रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई और लवंग गलता बनाई जाती है। और 113 से 120 के बीच में कोमल गोली बनाई जाती है जिसमें फंडेंट, फज, बर्फी ये सारे व्यंजन बनाए जाते हैं। और 120 से 128 के तापमान में कड़ी गोली बनाई जाती है, कैरामल, जिसे कैरामल कहते हैं। 128 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड में कड़ी मोड़ने योग्य गोली बनाई जाती है, जैसे मूंगफली की कैंडी जो बनाई जाती है वो। और 138 से 140 डिग्री में अति कठोर गोली बनाई जाती है, जैसे बटर स्कॉच टॉफी। 149 से 154 डिग्री सेंटीग्रेड में अति कठोर ब्रिटल चाशनी बनाई जाती है, जिसके मूंगफली के ब्रिटल बनाए जाते हैं। तो ये एक बार आप लोग याद कर लीजिए।